कल रात को 3:30 बजे सोए हम, 3:30 बजे, और अभी आप टाइम देख सकते हैं, बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। मैं मतलब 3 बजे सो के मतलब 4:30 बजे उठ गई थी, मेरी नींद खुल गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। अब मैंने नहा लिया है, अब पूजा करते हैं और बाकी काम करते हैं। है मदर्स डे और आप देख सकते हैं मैं भी किसी की माँ हूँ। ये जो बच्चा सोया है ये 6:30 बजे उठ गया था, इसलिए अभी ये सो गया। अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं, और अब ये जाके सो गया है। और ये इनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना चाहिए था आज मुझे और मम्मी जी को। नहीं कोई नहीं, पबजी खेलने में व्यस्त हैं। साफ सफाई कर ली है यहाँ, हम चलते हैं नीचे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है मदर्स डे, सारी माताओं को हैप्पी मदर्स डे, सबकी मम्मियों को। और हम भी किसी की मम्मी हैं, बट हमें कोई अभी बोल नहीं रहा है। नोनू मुझे अभी बोल नहीं पा रही है, वरना वो अगर वो बड़ी होती तो वो भी मेरे लिए फ़ोटो लगाती, स्टेटस लगाती। आजकल तो सब प्यार स्टेटस में ही दिख रहा है, असलियत में तो करते हैं हम लोग अपनी मम्मी से, मतलब ज़्यादातर लोग तो करते ही हैं भाई। और कितने बजे सोए थे हम कल मूवी देख के? 3:30 बजे, और मैं उठ गई थी 4:50 में। मतलब मेरे को आजकल नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी भी मैं उठी हूँ और अभी बज रहा है 11 बजने वाला है। नोनू भी उठ गया था 6:30 बजे, फिर वो सो गई अभी। और मुझे लगा आज मदर्स डे है तो मम्मी जी और मुझे थोड़ा सा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरे लिए खाना ही लगा के ले आते, वो भी नहीं, पबजी खेल रहे, बताओ। और कौन कहता है हस्बैंड अच्छे होते हैं? किसके हस्बैंड अच्छे होते हैं? कौन करता है अपनी बीवी के लिए इतना स्पेशल? शिट यार, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जा रही हूँ ना कभी कभी यार। एक ना हम लोग ओवर ड्रामेटिक तो मैं इसलिए भी हो रही हूँ क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही है, ऊपर से रील्स ऐसे आ जा रही है, जैसा हम सोचते हैं वैसे रील्स आ जा रही हैं। और रील्स में मतलब इतना अच्छे अच्छे हस्बैंड दिखा दे रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जा रही हैं। अब उनको क्या पता हमारे हस्बैंड पबजी खेलते हैं, उनके पास टाइम नहीं है अपनी वाइफ के लिए, उनके पास और भी बहुत सारी टेंशंस हैं। और जो साउथ की मूवी थी जो हमने देखी थी कल, हनुमान, ओ माय गॉड, गूज बम्स आ जा रहे थे कहीं कहीं पे, कुछ कुछ सीन्स में तो। साउथ वाले कितनी अच्छी मूवी बनाते हैं यार, कितनी अच्छी मूवी बनाते हैं। मतलब एक वो आई थी वो आदि पुरुष, अब मैं बोलूँगी यार, मेरे को किसी का डर थोड़ा है, रिव्यू तो दे ही सकते हैं हम अपना, मतलब बहुत अच्छी बेस्ट मूवी। अगर जिसने अभी नहीं देख रखी है तो वो जाके देख सकते हैं जियो सिनेमा में, हनुमान करके। और अभी उसका फर्स्ट पार्ट आया है और सेकंड पार्ट का बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ मैं कि कब आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा उसमें एंड दिखाया था, मतलब क्या होने वाला है उसके आगे। मतलब साउथ वाले ऐसा छोड़ देते हैं ना मूवी की क्या होने वाला है, जैसे पुष्पा, वो तो मतलब कितनी, अब उसकी आने वाली है, अब अगस्त में उसकी रिलीज़ होगी पुष्पा 2, तो उसके लिए सब लोग कितना वेट कर रहे हैं। तो ये होती है यार मूवीज़ जिसमें मतलब लोगों को देखने में मज़ा आए, बताओ लोग 3:30 बजे उठ जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए रात को। चलो फिर अब हम खाना खा लेते हैं, मैंने झोली बना रखी है और अब मैं खाना खा रही हूँ, सब ने खाना खा लिया है, अब मैं लास्ट में खाना खा रही हूँ। वो तो मैं खाना खाना भूल गई थी, वो तो मम्मी जी ने बोला खाना खा ले तो मुझे याद आ गया। 11 बजे अब नाश्ता कर रही हूँ मैं, नाश्ता और लंच दोनों, ब्रंच ही कहते हैं पता नहीं। चलो ठीक है, बाय। खुद को ही आज स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैंने आइसक्रीम निकाल ली है अपने लिए, अब मैंने खुद को सर्व कर लिया है, मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। तो आज ये मदर्स डे है तो केक मंगा दिया मैंने, तो अच्छा ही मंगाया था, ये पता नहीं ऐसा भेज दिया इन लोगों ने। चलो आप काटते हैं, मम्मी जी हाथ लगाओ, चलो काटो। हैप्पी मदर्स डे टू यू, बोलो नोनू, ये तो अपना टॉप ऊपर करो नोनू, हैप्पी बर्थडे कह रही, नोनू हैप्पी बर्थडे कह रही है। ओ खाओ मोमबत्ती तो बुझाओ, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे कह रही हूँ। ये देखिए, ये बनाया है पंकज ने आज व्हाइट सॉस पास्ता, मदर्स डे का गिफ्ट मम्मी जी के लिए। सो आज मंगाया है amazon.in से। अरे ये कूलर, मिनी फैन कूलर किचन में लगाने के लिए मंगाया था, बट एक्सपेक्टेशन से जितनी एक्सपेक्टेशन थी इससे उतनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हवा बिल्कुल नहीं आ रही है, हवा हवा में उड़ जा रही है। वैसे तो अगर इसको अपने मुंह के पास रखो तो तब तो ठीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पर रख के नहीं हो पाएगा। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों। और एक और चीज़ मंगाई है, कहाँ गई? और ये मम्मी जी ने कहा था कवर मंगा देना मेरे लिए, सो ये कवर मंगा रखा है मम्मी जी के लिए। और क्या आया है आज पार्सल? पार्सल में आया है टिफिन बॉक्स। मजाक कर रही हूँ। आया है नायका से सामान, क्योंकि नायका में सेल चली हुई थी, नायका में सेल चल रही थी, तो हमने एक मंगाया है ये छोटा सा प्राइमर नायका का, और मंगाया है सनस्क्रीन एक्वालॉजिका का, यही लगाती हूँ मैं, और एक लिपस्टिक बस।